जन्म से ऐसी हूं मैं, किसी के लिए शुभ नहीं, सबके लिए अशुभ, आप सबके लिए भी अशुभ हो गई मैं। ऐसे मत बोलना, दरअसल हम सबकी जिंदगी में अक्सर जो बुरा होता है, जो परेशानी होती है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारी जाति है। इसलिए तुम दुखी मत हो जाओ। कल सुबह हम नई जगह जाएंगे, नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करेंगे। देख लेना मीरा, तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आखिरकार हम जीत गए। अब कल सुबह राम जी और उसका परिवार हमारा सतारा छोड़कर चला जाएगा। सच कहूं तो महाराज, विश्वास ही नहीं हो रहा। वो भीमराव उसका अभिमान है, उसके जात के लोग, गोपाल ने उसी का उपयोग करके भीमराव के अभिमान को चकनाचूर कर दिया महाराज। आपका हीरा तो कारगर साबित हुआ महाराज। सौ सुनार की तो एक लुहार की, हमारी परख पर पूरा यकीन था हमें, इसीलिए तो इस गोपाल को सातारा ले आए हम। मुझे सातारा छोड़कर नहीं जाना है, यहाँ पर हमारी आई की यादें, हमारे बचपन की यादें, हमारी आई का बनाया हुआ ये प्यारा सा घर है, क्या हम कैसे भी करके ऐसे जाने का रोक नहीं सकते? एक शर्त पर सातारा को छोड़कर जाना रुक सकता है, कि बुआ एक ऐसे व्यक्ति के लिए विधवा संस्कार करें जो उनका पति था ही नहीं। क्या आपको ये मंजूर है? क्या आप चाहती हैं कि वो लोग जो विधवा संस्कार कराना चाहते हैं वो बुआ के साथ हो? तू समाज से, लोगों से बदलाव के लिए लड़ रहा था ना, तू अपनी जात के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहा था, तो लड़ ना। अब क्या हुआ, लड़ और कर खुद को साबित। बाला भैया, कोई भी लड़ाई अकेले लड़ी और जीती नहीं जाती है, वो अपने और अपने लोगों के भरोसे लड़ी जाती है। मतलब ये कि इस लड़ाई में आपने उन लोगों का साथ देकर हमें कमजोर कर दिया, तो हम किसके बल पर ये लड़ाई लड़े? और जब अपने ही लोग विरोध में हो तो कैसे लड़ाई जीतेंगे? सेठ जी, सालों का सपना पूरा होने की खुशी में भीमराव राम जी को उसकी हैसियत दिखाने की खुशी में ये लीजिए शरबत पीजिए।
सच में ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। इस दिन को हमें बेसब्री से इंतजार था कि कब राम जी और उसका परिवार हमारा सतारा छोड़कर जाए। सेठ जी सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल सुबह राम जी और उसका पूरा परिवार सतारा छोड़कर चल जाएगा। ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा सेठ जी। ये सपना संभव हुआ है गोपाल की मेहनत के कारण। हाँ सेठ जी वो तो है। जिस काम को पूरा करने के चक्कर में हम इतने सालों से लगे थे वो गोपाल ने बस कुछ ही दिनों में कर दिया। सेठ जी एक बात कहूँ, इस भीमराव और राम जी के चक्कर में ना छोटी जात के लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया। एक बार ये राम जी और भीमराव सतारा छोड़कर चले जाए फिर देखना कैसे मैं छोटी जात वालों का मनोबल तोड़ता हूं। बाबा चाय। वाह गोपाल, तुमने भीम को उसी के भाई और उसके ही जात वालों से मिलकर हरा दिया और लड़ाई यही खत्म कर दी। जो काम महाराज ने सौंपा था उसे पूरा कर दिखाया। बहुत बहुत बधाई। कल सुबह राम जी और भीम के जाने के बाद हम लोग का काम भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग भी यहाँ से चल देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस काम को करने में हमने इतनी मेहनत की उसका मेहनताना तो हमें मिलना चाहिए। कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ सिक्के जब खनकेंगे तब ये बधाई और भी अच्छी लगेगी। महाराज से कहकर कुछ दिलवाइए हमें। बिल्कुल दिलवाएंगे, आखिर धर्म का काम धन के बिना कैसे होगा। मैं कहूंगा महाराज जी से, वो सेठ है ना, वो महाराज जी का धन स्वामी, बहुत धन है उसकी तिजोरी में। महाराज उससे तुम्हारी मेहनत का पूरा हक दिलवाएंगे। इस बात के लिए निश्चिंत रहो गोपाल। कौन? राम जी तुम? बैठो पुरंजन। क्या करे पुरंजन, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अपने जिगरी दोस्त को मिलने के लिए छुप कर आना पड़ रहा है, कोई देख ना ले। लेकिन राम जी इतनी रात में क्यों? तुम तो जानते हो पुरंजन, कल सुबह मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहां से जा रहा हूं। दिन के उजाले में मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने हमसे जो इतनी दूरी बना कर रखी है। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे बुरे दिनों में बहुत साथ दिया है, मेरे सुख में, मेरे दुख में। बस इसके लिए मैं शुक्रिया कहने आया था। राम जी क्या तुम्हारा जाना रुक नहीं सकता है? नहीं पुरंजन, अब रुकना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। नहीं पुरंजन, सब कुछ बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला है राम जी, क्योंकि मैं जिस राम जी को जानता था वो दृढ़ संकल्पी, साहसी और हिम्मती था।
उसके खिलाफ चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन वो कभी सच का साथ नहीं छोड़ता था। तुम तो जानते हो मैं सच के साथ खड़ा हूं, सच का साथ दे रहा हूं, तो फिर तुम सच के खिलाफ क्यों खड़े हो? देखो राम जी, तुम चाहे इसे मेरी कमजोरी समझो या मेरी बुजदिली, लेकिन मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा रात के अंधेरे में तो जरूर साथ दूंगा, लेकिन दिन के उजाले में साथ ना दे पाना मेरी मजबूरी है। 100 लोगों से अकेला मुकाबला करने वाला, लड़ने वाला, हौसला रखने वाला मेरा दोस्त अब डर गया है, क्योंकि सच्चाई के साथ मजबूरी में, चोरी से या रात के अंधेरे में देने से सच्चाई के साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि यह आपराधिक कार्य है। तुम्हारी बातों से अपराध की बू आ रही है, इससे अच्छा है तो दिन के उजाले में तुम गलत का साथ दो, उनका समर्थन करो। देखो पुरंजन, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए मुझे जो उचित लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन एक बात जान लो, डर को मन के भीतर पाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डर इंसान को निष्पक्ष नहीं रहने देता। इस सातारा में तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, इसलिए तुमसे मिलने चला आया था। और हां, अब व्यक्तिगत रूप से जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक याद कर लेना, मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं करूंगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखना, अगर गलती से मैंने कुछ कह दिया हो तो एक दोस्त समझकर माफ कर देना। कैसी बात कर रहे हो राम जी, हमने सारा सामान बांध लिया है, बस बाला भैया का सामान रह गया है। मैं जानता हूं कि बाला भैया हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन बाला भैया हमें आपकी याद बहुत आएगी। हाँ आनंद, भले ही मैं तुम दोनों का विरोधी हूं, लेकिन मुझे हमेशा से इस बात का गर्व रहा है, तुम दोनों कायर नहीं हो। अफसोस, कल से मैं ऐसा सोच नहीं पाऊंगा। कल से मेरे मन में बस यही विचार रहेंगे कि मेरे दोनों भाई भगौड़े हैं। माला भैया, अगर आपको हम पर इतना ही अफसोस हो रहा है तो हमें कायर होते हुए देखकर आपको दुख नहीं हो रहा? ज्ञान मत दे भीम, लड़ाई का मैदान छोड़ के तू जा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्या कर सकता हूँ? अब इतना तो सोचिए कि आपके दोनों भाई क्यों कायर बने और क्यों लड़ाई छोड़कर भाग रहे हैं।
बहादुर होने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है, बहादुर अकेला भी बहादुर ही होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बुआ के साथ कुछ गलत हो रहा है तो यहीं रुको और लड़ो उनसे। भाग क्यों रहे हो? तुम सब लोग बहस मत करो, अब तय हो गया है, कल सुबह जाना है, मतलब जाना है। जिसको चलना है चलेगा, जिसको नहीं चलना है वो यही रहेगा। ना तो मैं किसी पर चलने के लिए दबाव डालूंगा और ना ही किसी को या रुकने के लिए दबाव डालूंगा। जाओ सो जाओ। आनंद, तुलसा मंजुला और बुआ को बुला कर लेकर आओ। राम जी, हम ये सोच रहे थे कि इतने दिनों से तुम्हारे साथ टकराते टकराते तुमसे एक लगाव सा हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे जाते जाते तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप दे दे। देख लो तुम्हारा उपहार, देख लो। चप्पल बनाने के काम आएंगे ये औजार। राम जी, इससे बेहतर तो तुम्हारा उपहार कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर ये काम तुम तुम्हारे बच्चों को सिखाओगे तो तुम और तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी होंगे और इस तरह की स्थिति इसके बाद कभी नहीं आएगी कि तुम्हें मजबूरन किसी गांव को छोड़कर जाना पड़े। देख क्या रहा है राम जी, महाराज इतने प्रेम से तेरे लिए ये उपहार लाए हैं, उठा ले, रोजी रोटी चलाने के काम आएगा। उठा ले। मैं फौज में नौकरी कर चुका हूं, रिटायर्ड सूबेदार हूं, मुझे जीने के लिए इस पेशे की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने इस पेशे का अनादर किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर पेशा अच्छा होता है, हर काम अच्छा होता है। भीम, आनंद, जा बुला कर लेके आओ जल्दी, जाओ जाओ। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? सुबह से दिखी नहीं, तो हमें लगा कि कहीं बाहर गई होगी, लेकिन अब तक नहीं आई। ये जाने के समय में कहाँ चली गई? वो देखो आ रही है।